अभी जो है हम लोग थक गए हैं, हम लोगों ने कुछ काम किया है लेकिन काम मुकम्मल नहीं हो सका। जितना भी हुआ उसी में बहुत ज्यादा थकावट हो गई है क्योंकि मिट्टी इतनी तस गई है, इतनी तस गई है जैसे रिश्तेदारों के दिल दिमाग में नफरत का दरिया नहीं धसा हुआ वैसे, और मेरे दिल में भी एक वैसे दरिया है, मेरे में कोई है नहीं, ये ना सोचिएगा। हो गई है टूटी तो गाइस आपको दिखाते हैं हम लोगों ने जितनी सफाई की। आगे से हमारा चला गया पानी, मैं तो तपड़ियां लगा लगा कर थक गई हूँ। इसने इतनी ज्यादा लगाई है, अब मैं एक लगा रही हूँ, दिखा दो। तो अभी ये सफाई नहीं है, अभी भी इस पे मिट्टी है, इधर मिट्टी है, इधर तो सफाई हुई ही नहीं ना अभी। ठीक है ये देखें, बाहर इनको किचन दिखाना है। अब चले आए, मैं आपको लेकर चलती हूँ किचन में। जुटी पहनी, जुटी पहनी। मिट्टी ही होते। पापा की पानी वाली बोतल लेना है। वो बाहर देखो, बाहर वो देखो उधर वो स्लैब के ऊपर, उधर ही नहीं उधर और सामने सामने ए बोतल ही। अच्छा स्लैब बना देता पहले ही है सी वाला ए लगे हूँ। कोई भी बंदा किचन च बह के काम नहीं करेगा, सारे बंदे जड़े ना खलो के काम करेंगे, खलो के काम करो और निकलो। इधर बाबा की बोतल तो कोई नजर ही नहीं आ रही। ओ फ्रिज हूँ अंदर पई हुई है तो हर चीज खराब हुई है, तो इतो ही फिलहाल कोई बोतल लाई आ। चलो ठीक है ले लो। वो कोका कोला ले लो, ये हाँ ये ले लो। मैं ये ले के, और ये देखे अभी तक बहुत ज्यादा गंद पड़ा हुआ, अभी कुछ भी नहीं सही से साफ हुआ, अभी सीढ़ियां होनी है। किचन का बर्तन हाँ ये चीजें तो धोई है, साड़ी धोई है, पतीलियां धोई है, ये भी धोया, ये भी धोया, वो भी धोया, और ये भी साफ करके रखा। मैंने भी दूध बॉइल किया था यहाँ पे, अब रह गया सिर्फ किचन और सीढ़ियां धोने वाली। ठीक है, और अंदर से पूरा कमरा साफ करने वाला है अभी भी, और पहले थोड़ा सा काम किया और साथ ही पानी चला गया, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा था, पानी जाने वाला था और ये सारा काम पानी से करने वाला था, और अभी हमने फ्रिज भी साफ करनी है। अब हम सोच रहे हैं पहले इधर से ऐसे दरवाजे लगवा ले हमारा, फिर कली का हाथ डालेंगे क्योंकि हो सकता है वो दरवाजे बुरे लगे, फिर उनके ऊपर भी कली करवानी पड़े। नहीं हम लकड़ी के दरवाजे लेंगे, हमने लोहे के नहीं लेने, तो लकड़ी भी बुरी लगेगी, लकड़ी भी चिट्टी हो तो सोहनी लगेगी फिर। तो ऐसे लिए मैं ना सोचा कि पहले असी इतने बूढ़े लगवा लवेंगे, फिर बाद जो सारा कुछ डन हो जाएगा एक मुकम्मल मिट्टी जी, मतलब मिट्टी मिट्टी नहीं घर चो कोई, एक मुकम्मल वो सफाई हो जाए ठीक है, एक मुकम्मल दरवाजे लग जाए ठीक है, फिर उस तो बाद असी कली वाल जावे। सो गाइस कल के ब्लॉग में कमेंट आया हुआ था कि आज का कैमरा रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि मेरे मोबाइल में हो रहा था व्लॉग एडिट और सेव और अपलोड, जिस वजह से इसके मोबाइल में वीडियो बनी थी इसी वजह से वो रिजल्ट खराब हो गया। और मेरी बात सुने क्या नाम लेते हैं, मैं क्या कहने लगी थी, हाँ वो कल का ही व्लॉग था और कल ही आपको मिला, और ये आज का व्लॉग है आज मिलेगा आपको। हाँ वो ट्यूजडे का व्लॉग था तो ये आज ही मिलेगा आपको, हम लोग आपको ताज़ा ताज़ा व्लॉग दे रहे हैं, ताज़ा ताज़ा। ये देखिए हमारे कमरे में उन्होंने फ्लश बना दिया है, अब कल कोई हमारे आएंगे हमसे मिलने वाले जो आते हैं हमसे जो हमारे व्यूवर है तो वो आएंगे तो सामने फ्लश हो अल्लाह, इसलिए हम लोग ऐसे करवा रहे हैं ऐसे लकड़ी का दरवाज़ा, वरना मैं और हमारा तो फ्लश में भी रह लेते पहले भी तो रहते थे फ्लश गाइस हम लोग पहले भी फ्लश में ही रहते थे, वो बस ये था कि फ्लश लगा नहीं हुआ था, वो उसी टाइप का था कूड़ा, उसी उधर ही कमरा उधर ही सोना उधर ही खुरा, तो वो एक ही बात हो जाती है फिर। चलिए ठीक है गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, टाइम देख लें आप सब लोग ठीक है, अब होंगे हम 12 बजे स्टार्ट, जैसे ही पानी आएगा हम फिर अपने कामों में लग जाएंगे, और मुझे लग रही है उससे पहले बहुत ज्यादा भूख, तो मैं करने लगी हूँ नाश्ता, मतलब हमारा थोड़ा सा उधर का रुक दिखाओ, और मैं आप लोगों को नाश्ता बनाते हुए दिखाऊंगी खड़े होके, थोड़ी सी बोलो को दिखाओ जो हमने साफ किया, ये गैप लगे मिट्टी होते।
क्या तुम मुझे नाश्ता बना दो? कितना मजा आएगा मुझे। चले मुझे तवा धो दोगी फिर तुम? हाँ दे, पहले मैं तो थोड़ा खुरा धो लूंगा। दो घूंगे तुम पानी मुकाई जा रही हो एवं ही। दो डूंगे उकड़ना पैना, लंगर की जगह नहीं है। फायदा उसको सफाई करन दा, मिट्टी फिर उत्थे चले जाएगी। यार फर्श के उत्ते की लग गई है, मैं समझ नहीं आती कि पूछना पैना ही। मेरी बहन तो थोड़ी ही तवा और आए हम लोग निकालते हैं फ्रिज में से ब्रेड एंड। सोचो मेरी फ्रिज इधर पड़ी हो। मैं देखती हूं ब्रेड। नहीं पड़ी भी पहली ब्रेड, पड़ी भी है तो हमने नहीं खानी वो ब्रेड। इन दोनों को लेके चलते हैं बाहर। और ये रहा हमारा दूध। तुमने मेरे रिश्तेदारों का मुंह धो दिया? वो फल्ला, ये तो फिर काला है। तुमने सही से नहीं धोया। इस तवे को करते हैं ओपन। बिल्कुल बहन ये तो है बात, जितना मर्जी उनका मुंह धो लो वो नहीं साफ हो सकता बिल्कुल भी नहीं। जे मैं होंदी डोलना रे डोले। ओ तब तक हम आते हैं हैंड वॉश करके। ओके टमाटर बड़े मजेदार। गैस चले गई, सिलेंडर पे बनाते हैं, कोई मसला नहीं। चले क्या कर सकते हैं यार, गैस नहीं आ रही है। फिर इधर वापस नीचे बैठ के बनाने लग गई हूँ।
नाश्ता। अब हम करेंगे नाश्ता। So guys, Assalamu alaikum. Welcome to YouTube channel. Welcome to Amara with Life YouTube channel. पे न्यू है तो कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, कमेंट, शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, आज का हमारा खूबसूरत सा दिन स्टार्ट हो गया आप सबके साथ, जहाँ भी रहे खुश रहे। इस दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। सो गाइस, आज के व्लॉग में हमारे घर पे स्टार्ट हो गए हैं पिग्स। आज का हमारा जो कंटेंट है वो है पेंट्स पे, कलियां, कली 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 वे मैं बन के फैलाई आवा, वो मतलब पेंट स्टार्ट होना। बहुत सारे लोगों की डिमांड, फरमाइश, बहुत सारे लोगों के कहने पे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कली भी करवा लेते हैं, पेंट भी करवा लेते हैं। कुछ लोग कहते थे जैसे रिश्तेदारों को चूना लगाते हैं वैसे लगा लो चूना भी। कुछ लोग कहते थे कि आप लोग अखबार लगा ले। अखबार, वट इज दिस, दातरी जुबान आ गई फिर कहनी है, वट इज दिस अखबार यार, कौन अखबार लगाता है अपनी दीवारों पर, तुम लोगों ने अखबार लगाए हुए हैं। बाकी हेड छोड़ो, अभी हमारे घर पर लगे पेंट। भाई जो है वो लेने गया वह पेंट, शहबाज भाई, तो वो आता है फिर उसके बाद हम करने लगे हैं पेंट। तुम क्या कर रही हो, उठ के बैठ, नहीं गंदी लगती पई है। सो गाइस, बहुत कोशिशों में लगे हैं कि मिट्टी निकल जाए निकल जाए निकल जाए, बट नहीं, अभी तक हमारे घर में से मिट्टी निकलने का नाम नहीं ले रही। हम लोगों ने सीढ़ियां धोई हैं, हम लोग थक गए हैं, थक गए हैं। तेरा बन के रहा परछावा जे मैं बुलावा हार दिए। ओए तेरे पीछे आज फ्लश आ गई वेलकम दे विच। ओए होए होए, आज गाइस हमारे कमरे मेरे में मेरे ते फ्लश जी फड़क कीड़े आ किथे तक हो गए, फ्लश वाल ना तकना मेरे वाल तकना। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से हमने इतनी दफा धो लिया है, इतनी दफा धो लिया है ना, फिर भी मिट्टी निकलने का नाम नहीं ले रही। यहाँ से देखे हमने सीढ़ियाँ धोई हैं, आपको गीली नजर, देखे आपको नजर आ रही है गीली सीढ़ियाँ, हमने सारी सीढ़ियाँ वॉश की है नीचे तक, सारी सीढ़ियाँ वॉश की हैं, यहाँ से सारा वॉश किया, यहाँ से सारा धोया है, तो फिर भी मिट्टी जो है वो अभी निकलने का नाम ही नहीं ले रही। अब आहिस्ता आहिस्ता ही मिट्टी निकलेगी, जब घर में ऐसे काम होते हैं ना फिर आहिस्ता आहिस्ता ही मिट्टी निकलती है, मिट्टी तो फिर निकलती नहीं जल्दी। डेली सफाइयाँ होंगी, डेली ऐसे ही काम होगा तो फिर जाके पूरी मिट्टी निकलेगी घर से। नीचे तक हम लोगों ने अपनी गली के, अपने गेट के बाहर जो गली है वो उसको भी थोड़ा साफ किया है ताकि मिट्टी जो है पाँव के साथ हमारे घर में ना आए, तो फिर भी मिट्टी जो है वो नहीं निकल रही, आहिस्ता आहिस्ता ही निकलेगी मिट्टी। दादो दे नाल मिलती पी तेरी शक्ल बिल्कुल, मैंने लादा पे मैंने अपना फैस्टा पता की फील होता पर मी दा पोंगे अपना आप मैं वैंज फील होता भाई मैं कोई मीदा पोंगे हो। तो गाइस हमारा इस टाइम बनी हुई है मीदा पोंगे और मैं दिलशाद, बाजी दिलशाद। तू तो कोंगलू लग रही है मैंने की कोंगलू, शट अप, मैं कोंगलू नहीं हूं। एक नाम होता ना कोंगलू, उन्होंने हमें पेंट जो है और जो इसका दरवाजा है ना वो इर्द गिर्द उसमें हमारी हेल्प की है। इसको रखते हैं यहाँ पे क्योंकि तू पागल है, तू रोन नहीं पई है मेरे उत्ते ना पाई, हर गल छोड़ा सी हो गया।
अदर फड़ा उठे रखा चल अच्छी गल होंगी है दिल्ली च तेल शगुन की लामत हो सकता तेन कोई बीबी कुड़ी वेख के तेन लै आई वे जाएगी चली जा कर लै मान जा पढ़े हुआ था मान जा मान जा टूट जान भावे विंगा होया पैर तिलकाने की है इत्थे स्टैंड भी टूट गया चुक चुका हो ऐसे नहीं ओ थले चक ओ है गई बेलना रोटी बेलन वाला बेलना इस वजह तो विंगा होया स्टैंड इत्थे रख इत्थे फ्रिज दे नाल ताकि साइड दे उत्ते रख दे फ्रिज दे नाल की डिगा सी वेखा चुप चाय पौनी भी गई तेरे बिलकुल पैर दे पिछे एदे विच दहा मैं रखा यार हुणी सारा स्टैंड असी धोता जे जू गंदा हो जांदे फिर भांडे ये सारे स्टैंड हमने धोए हैं अपनी फ्रीजर का स्टार्ट फ्रीजर में जमा हुआ है अभी बर्फ तो वो भी पिघलेगा तो ये जो है अभी हम लोग कर ले इसको साफ फिर आपको पूरी क्लीन करके आपको दिखाते हैं लकड़ी ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦੇ ਫਿਰ ਲਾਈ ਬਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗੂਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਐ ਵਧੀਆ ਆ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਮਾਰ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਖਿੰਡੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਣਾ ਜਾਵੇ ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਫੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਹੀ ਧੋਤੇ ਨੇ मेरे को ना पिया भी होया थोड़ा जिन्ना पता नहीं चिट्टा चिट्टा हाँ थोड़ा पिया भी होया अरे कुछ है एको बड़ा
ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸਟੋਰ 'ਚ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਿਆ ਆ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਆ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਆਈਏ ਨਾ ਟੈਮੋ ਟੈਮ आई थिंक उनको ये चाहिए मैं पूछ लूँ उनसे भाई ए देखना है चाहिए लंघन का राह ही बड़ा औखा है चाहिए है रख लो फिर थले रख लो अद्धा बोरा सीमेंट का बचाता है उन्हें हाँ कहता सी नहीं बचना किथे पे कढ़ाई च बना लो फड़श ना फिर खराब हो जाए तुम लोग दरवाजा बंद कर लो मिट्टी उड़ेगी तो अंदर नहीं आएगी ऐ पंखा बंद कर तुम्हारी जरूरत नहीं है सन ये ले ये देख हमने गाय सारे बर्तन अंदर रखे और अब हमारे घर में शुरू हो गए हैं पेंट जैसे कि माड़ा ने आपको सुबह बताया तो गाइस बाहर हो रही है कली पेंट बाहर पेंट हो रहा है और हम अपना सारा किचन का भांडा टिंडा ला के इधर रखा हुआ है और हमने रोटी बनाई है दाल रोटी फहद को और बाबा को भिजवा दी है रोटी दाल और हम लोग ये खा रहे हैं और माड़ा ने मटरों वाले चावल मंगाए थे हमारे यहाँ से ना मटरों वाले चावल मिलते हैं देना मुझे भी दाल रोटी मज़ेदार है हम लोगों ने साथ में थोड़े से आलू मटर गाजर वाले चावल हैं ये ना वेजिटेबल राइस है हमारा इसमें बोटी नहीं होती है चिकन पीस नहीं होता आलू मटर और राइस होता है दाल बड़ी मज़े की है चलो गाइस हम लोग खाना खा लें दोपहर का चलो गाइस देखो इतना पेंट हो गया और इतना भी हो रहा है और वहाँ से जहाँ से मिट्टी गिरती थी ना वहाँ से हम लोग लगा रहे हैं गत्ता कोई ऐसा गत्ता लगा दिया ऐसे कि वहाँ से मिट्टी जो है ना वो हमारे खाने में ना जाए तो इसमें हम लोगों के साथ हमारा जो भाई है वो बहुत ज़्यादा हमारा साथ दे रहा है सपोर्ट कर रहा है हम लोगों के साथ मिस्त्रियों के साथ उसने उनको सारा सामान ला ला कर दिया उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमारी अभी ये पेंट करवाने में भी हमारी सपोर्ट कर रहे हैं साथ में उनको लेकर आए हैं खुदी पेंट के डब्बे भी भाई को भी तो ये जो है हम लोग तो घर पे बैठ के कर ही रहे हैं लेकिन जो भाई वाला काम था ना वो हमारे इस भाई ने हमारा साथ दिया करने में भाई वाला काम जो भाई ने किया है और जो हमारा सफाइयों वाला काम था वो तो हमने ही करना था वो हमने किया सो बहुत बहुत शुक्रिया इनका गाइस जिन्होंने हमारा साथ दिया उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अब ये देखिए खाने में मिट्टी नहीं जाएगी वैसे तो ये नज़ारा छुप जाएगा फ्रिज के पीछे लेकिन ये इसका ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता वो भी करना है ये ला ही दियो हाँ खड़प्पा पूरा नहीं मैंने गलती भी नहीं करी सारी बाहर आ गई अच्छा बस इसके अलग ही कर लेंगे क्यों बाहर आ रहे हैं ना दसा दरवाजा आ गया हाँ दरवाजा है हाँ दरवाजा है दीवार है ये गाइस को हमने बताया था व्यूवर्स को कि ये पहले मंदिर था
तो फिर ये मंडित पंडित का घर था ये, तो वो इस दरवाजे से फिलान के अपने मंदिर में चला जाता था। ये दरवाज़ा है इसके पीछे पुराने ज़माने का, जो कि अभी अगर साथ वालों के घर से जाए ना तो दरवाज़ा अभी भी वहाँ से नज़र आता है। उन्होंने भी पर्दे लगा के छुपाया हुआ क्योंकि दरवाज़ा बहुत पुराने दौर का है। हमने इधर से इतना धोया था तो फिर मिट्टी गिर गई, हम ना ही धोते पहले एवं ही धो लिया। जैसा कि हम हालो बेहाल हुए हुए पूरा घर, हम तीन लोग बल्कि शबाज भाई, अमारा और मैं, हम तीनों के हाल बुरे हुए हुए हैं। हम तीनों ही ये काम करवा रहे हैं। अच्छा साढ़े तो हम क्या कह रही हो, मैं कहा साढ़े घर दे जे तीन ही लोग बड़े ही मेहनती ने, बड़े ही मेहनती ने, मैं की दसा सी इतनी मेहनत करने ना सी तीन जी। हां ओ अपनी मेहनत करदा जेडी असी करने ओ असी करने ओ ओदी बड़ी है, ए साडी बड़ी है, लेकिन साडी अपनी अपनी जगह दे उत्ते मेहनत जेडी ना सिर्फ और घर दे तीन जी करदे ने बस। हां बाकी सारे स्कूल च गए ने, वो स्कूल ने बाकी सारे कारोबारी काम में हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहुत मेहनती हैं और हम तीनों स्ट्रगल में हैं, तो उसमें हम तीनों के इतने बुरे हाल में हैं। हम तीनों कोशिश में हैं कि हमारे कारोबार अपोजिट तीनों ऐसे मिट्टियों मिट्टी हुए हुए है ना कल से, क्योंकि हमारा जब वॉशरूम भर रहा था उनके वॉशरूम में भी सारा मलबा गिर गया था, वो भी वॉशरूम यूज नहीं कर सकते, हम लोग तो कर ही नहीं सकते, तो हम तीनों के सिर मिट्टी हो मिट्टी, कपड़े मिट्टी हो मिट्टी, हालो बेहाल हम हुए हुए हैं। उन पसीना एक इस घर के पीछे, इस घर को हम सेट करी जा रहे हैं, पता नहीं देखो होता भी है कि नहीं, फाइनल लुक दसेगी है ते की निकलिया है भाई। दुल्हन तैयार कर रहे हैं गाइस, हम दुल्हन तैयार कर भाई, मिलके भाई भाभी भी अपने कमरे में पेंट करवा रहे हैं, हम भी पेंट करवा रहे हैं, फिर आपको एक होम टूर मिलेगा जब घर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओ होम टूर तू देगी? मैं दे दूंगी। तो जब पूरा होम टूर हो, जब पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा ना नीट एंड क्लीन, फिर हम एक होम टूर बनाएंगे आपके लिए और फिर देखा गे थे। वो होम टूर मैं दिता सी। हाँ वो तो तू दिता सी। ये भी होम टूर मैं ही दांगी। तू ही नहीं, लेकिन फिर देखा गे विच लोग क्योंकि आई एम होस्ट, आई एम ओनर, यूट्यूब ओनर आई एम तेरा होम टूर मैं ही दवांगी बेटा, इस तरह सैड पे रहो। हाँ एक होम टूर देंगे जब हमारा घर टोटल साफ सुथरा हो जाएगा, तब हम एक होम टूर लेकर आएंगे आपके लिए और फिर देखांगे हमारा लोग ओदे च की कीड़े काटदे ने। हाँ फिर कीड़े कटने तुसी सान दसना, मतलब तुसन सजेस्ट करना कि बेटा तड़ी आ चीज नहीं सही, ठीक है। हाँ आप हमें बताना फिर हमारी क्या चीज सही नहीं है, फिर हमने सही नहीं करवानी, हम बहुत थक गए हैं गाइस। नहीं देखिए तो सही की खराबी है, सुन तो लंद इस घर को जितना भी सही है मरम्मत करवाते जाओ ना, बस अल्लाह ही करेगा ये सुथरा साफ सुथरा हो जाए। पुराने दौर का बना हुआ है ना, तो इसलिए इसको साफ जितना करी जाओ ना ऐसा लगता है हुआ ही नहीं है। इस वजह से आपको ऐसा लगता है हम लोगों ने साफ ही रखा होता था घर अपना, आपको ऐसे लगता था हमने गंदा रखा हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब देख ले हम साफ करके भी आपको दिखाते हैं, जो जैसा साफ आप कह रहे थे ना वैसा साफ भी करके हम आपको उसकी फाइनल लुक दिखाएंगे, वो होगा होम टूर। तो अब देखते हैं, अब जब कमरे तक कली आनी है ना पेंट, तो फिर देखना इधर क्या उधम मचता, चीजें दुल बुल। हमारा मैं भाई को ना पूछा कि आज ही कमरे का होएगा, फिर हाँ फिर असि आले वालिया चीजा चुक के ना वालिया अंदर रखनिया स्टार्ट करिए, गद्दा चुकिए सराने डरात है तो मैनू मेरी जान निकल गई है, मैं क्या पता नहीं की हो गया जोश लैंदी है पहले अपने आप दे धूम तना ना ना कैमरा ना हला धूम तना ना ना धूम तना ना 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 कैमरा दिल करदा काम करन दा।
कैमरा ना हला। मेरा दिल करता है मैं लेटी ही रहा, मैं सुकून करा, मेरी जिंदगी सुकूनों परोश बढ़ गई हो। बस आज का हम लोग काम ज्यादा कर रहे हैं थकावट की वजह से, इसको ऐसा फील हो रहा है, मुझे खुद ऐसा फील हो रहा है, लेकिन हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना। आपी मैं सोनी लगती पई है, आपी मैं सोनी लगती पई है, देखते सर देखते सर। चलो गाइस आपके साथ साथ मुझ गया शबाद भाई गया। नहीं वो ये भी तरहान को लेने गया, तरहान पे माना करके बताएगा क्या, मतलब वो मेच के दसेगा कि किन्ना बुआ आएगा इधर दा किन्ना उधर दा, फिर वो असि फिर लकड़ लेके आवांगे। चलो अभी जो है बाहर का हो रहा है, पूछ के भाई हाँ मैं पूछती हूँ भाई से, फिर हम लोग जो है ना चीजें उठानी शुरू करते हैं। मैं पता क्या सोच रही हूँ, हमारा पहले ना बाहर हो जाए तो ये जो किचन का सामान पड़ा हुआ है ना, ये अपनी अपनी जगह पे जाएगा, यहाँ से जमीन खुली होगी, फिर हम लोग जो है ना सोफा और अलमारी वगैरह सेंटर में करेंगे, मैट्रेस बेड उठा के अंदर रखेंगे, अपने ये आले वाले कपड़े उठा के सारे अंदर रखेंगे, पहले किचन हो जाए फिर ये चीजें बाहर जाए, फिर हम कुछ हिला सकेंगे। ये देखो ना गाइस कितना गंद पड़ा हुआ है फिर से इधर, किचन कढ़ाई टाइम तो लगना, लेकिन चीजा थोड़ा कंधा को पड़े पड़े करके रख देंगे, नहीं चिपकावांगे कंधा दे नाल थोड़ा टुके डिग दे मैं। हाँ नहीं इन्हें नहीं भाई, बड़ी प्यार से आतना कर दे मैंने कि गंद ना ज्यादा पवे, लेकिन है कि जो दीवारा झाड़िया ना तो उदो जरा ना मिट्टी वगैरह डिग पई है दीवारा की डस्ट। तू हरकत मैं तेरे वाल कैमरा रखे तो हरकत वेख अपनी, तरह मेरी बाजू थक गई थी इसने करके, तो मैं जो अपनी बांह से सहारा दे के तेरे वाल कर लिया। तो तू तू ना की हरकत कर रही है, सोरी बोल, मैं वड्डिया पिएगी है तेरी, तनु वहम रहंदा हर वाले, सोरी भी तू मैनू बोलने ते मेरे हुसन दे गुण भी तू गाने ने, कदा वहम है तनु मेरे हुसन दा वहम है मैनू, मैं तो लाला तनु आया वहम है कि मैं आप पिएगी है, ते फिर की हैगी है, मैं लाला तनु वहम हैगा कि मैं आप पिएगी है कि नहीं हैगी। चलो गाइस को बताते हैं, गाइस वीडियो चलती भी पई है कि नहीं। गाइस हम आपके साथ एक फनी बात शेयर करते हैं, कल ना सब लोग मतलब मिस्त्री मजदूर वगैरह भाई शबाज भाई वगैरह सारे काम कर रहे थे, तो ना एकदम से ना हमारा ना मुझे कहती कि तू ना वो अल्लाह दिता को ना बेटा कह, तू तो उसकी अम्मी की उम्र की लग रही है। तो मैंने कहा हाँ वो छोटा है, मैं उसको कह देती हूँ, मैंने कहा ये ले अल्लाह दिता पुत्र चाह पी लै, तो मैंने उसको ऐसे कह दिया, इन लोगों ने बाद में मेरा इतना सवाल लगाया, तो ना मुझे वो कहती, मैंने अंकल कहते पहले जब मैं आया ना तो मैंने कहा अंकल मैं बस ना एक साल बाद भाई से, कहता है मैं कहा हाँ ऐसी बात नहीं है, मैं भी इतनी बड़ी बड़ी लगती हूँ हमारा, कहता आपको मैं एक बात बताऊँ बुरा ना मनाना बच्चे, मैंने कहा जी, तो कहता जब मैं आया ना तो मैं यही समझा कि तुम दोनों माँ बेटी हो। हाय इन्होंने मेरा माड़ा ने इतना माड़ा हसी, इतना माड़ा हसी ना मेरे ऊपर, इतना चल ली इतना इन्होंने मेरा सबने मिलके हासा पाया, कहते हाँ वैसे तुसी माइंड ना करना, जो मैं आया है ना तो मैनू लगा जिवें मावां दियां हैगियां ने, मैं कहा नहीं अंकल मैं दी भैन हैगी है, मैं ते को 7 साल वड्डी हैगी है, ते मैं कोई एड्डी वड्डी नहीं हैगी, मेरी उम्र 30 साल हैगी है, उंजी बस मैं वड्डी वड्डी लगदी हां मोटापे दी वजह तो। ते फिर अंकल कहंदे अच्छा हाँ कोई गल नहीं कोई गल नहीं, ऐ मोटापे दे नाल बंदा वड्डा वड्डा लगदा है। चलो गाइस अब हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस इधर से जो है हमारा पेंट हो गया है मुकम्मल, और ये पेंट हुआ है सीढ़ियों में भी ऊपर वालियों में भी। सुबह ही इतों सारा धोता ही एवं धोता फिर इको बड़ी धो लगे सही इन्ना पैसा तन बुरा लग रहा सी, नहीं ये तो करना है इन्ना तो करना है, फिर अंदरों की मैं साफ कर दें जरी मिट्टी मिट्टी चाह चू रुड़ी सी
बाले भी चिट्टे करते ब्राउन है गए सन अखा च भी पता नहीं की एदी पैन डई सी पठानिया को कड़वा ले यहाँ से जो बर्तन थे अभी फिलहाल पहुंचाए हैं वापस बाहर अमरीना कर रही है सेट ओ अमर भाई नाल नाल थोड़े पक्के भी कर दिया वो छुप गया और क्या भी है अमर नीड चल बड़ी महंगी है चले रहा अल्लाह खैर ਅਜੀ ਨਾ ਸੋਟੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਲਿਓ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆਹ ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ टोपड़ा वड्डा बजूठा पिछे कड़ेंगी चुकने चिकलाट की वजह ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪੀਸੀ ਤੇ ਲੈ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨੂੰ ਘਰ ਐਸੈਟ ਤੇ ਸੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ ਹਮਾਰਾ ਪੇਂਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਮਰੇ ਦਾ ਰੂਮ ਪੇਂਟ ਫਾਈਨਲੀ ਸੋ ਗਾਇਸ ਹਮਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਲੀ ਵਾਲੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈ ਜਰਾ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੂੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੋੜਾ सोनी मैं प्ले मास्टर
दादी ते ही जाना है, पुपिया ते ही जाना है। असीं तुहाडे ते कैमरा मार सकने हैं। रिवार्ड सारा उन्होंने जाता है क्योंकि उन्होंने सानू कहा तुसी इत्थे आवो काम करो। मेरा चाह पूरा हो गया, थक गई है। अच्छा सामने रखी आ, फिलहाल थले रखी जा थोड़ी देर लई, माजरत कर लेंगे। ओए नुकसान ना कर दें कोई, उन्हें फड़ के पागल तो नहीं है। ओ हाय ओ ओए होए काट पैरों दे छुपार। चल अब ये सारा, हाँ हम लोग ना यहाँ से चीजें उठा रहे हैं और हमारा ने फनकारी लगाई है, सब कुछ एक ही थैले में लूद दिया है। अब मैं इसकी हेल्प करवा लूँ, हम ये सारा सामान उठा के आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। So guys, ये देखे हम लोगों ने उठा दिया है अपना बेड और वो कर दिया है अंदर, और भाई जो है वो पेंट कर रहे हैं। अब दुआ करते हैं कि ये हमें कुछ ना कहें। मुझे भी दिखा दो, देखो दादो हम कितनी मुश्किल से आपके आने के वो इंतजाम कर रहे हैं। दादो आ रही हैं तो उन्होंने कहा है मैं एक ही शर्त पे आऊंगी, पहले अपने घर को ऐसे ऐसे करवाओ, फिर उनके लिए उधर वॉशरूम बनवाया है दादो के लिए। वो उतर चल चल फिर नहीं ना सकती वो। बड़े तन दी हो गाइस, मैंने ये कवर दराज से लिया था और मेरी बहन ने जिस पर मुझे बहुत गुस्सा किया था, और ये कवर था जस्ट एंड जस्ट 900 रुपए का, जस्ट एंड जस्ट 200 रुपए का कवर था, 900 का दे के गए इन्हें, 900 रुपए का कवर, 200 की चीज ये लोग दे के जाते हैं 900 में। एक और कवर था वो भी आपको चढ़ा के ना दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। लूटते हैं इसको दराज वाले, मैं इसे मना करती रहती हूँ। दिखाओ थोड़ा सा पेंट होता अपने आप को दिखाई जा रही हूँ। पेंट करवा लो, पेंट करवा लो, ये लो हो गया। अब फिर तुम लोगों ने कहना घर साफ कर लो, घर साफ कर लो। मिट्टी हो गए हम, 3 दिनों से हमने ना कुछ खाया है अच्छा खाना, दाल रोटी चना, दाल रोटी चना। मुझे भी दिखा दे, आड़ के बह गए आड़ के। पंखा ना ला लिया इधर वाला सी। मम्मी देगा, मम्मी देगा अच्छा भाई कमेंट आया था कि आप लोग अपनी व्यूअरशिप से एक बार पूछ लेते आप लोगों ने बाथरूम क्यों बनाया। मुझे आईडी का नाम नहीं पता, मुझे आईडी का नाम नहीं पता है, लेकिन मैं कमेंट का रिप्लाई फिर भी कर रही हूँ।
और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं और ये कमेंट का रिप्लाई मैं लाजमी करना चाहूँगी कि कमेंट ये था कि आप लोग एक बार अपनी व्यूअरशिप से पूछ लेते बाथरूम बनाने से पहले, आपने ये सही नहीं किया तो हम लोग ज़रूर पूछते, आप ही तो हमारे लिए सबसे पहले हैं, हमने आपसे ज़रूर पूछना था। लेकिन हुआ यूँ कि जो मिस्त्री मज़दूर आए हुए थे तो उन्होंने हमें ज़बरदस्ती स्टेंस किया, पता नहीं क्या क्या कहा उन्होंने, कहा ये बनवा लें आपके लिए बेहतर है, कहा ये बनवा ले, पीछे पड़ गए हमारे इधर वॉशरूम बना, बस वो जब आपको पता है फिर वो तो कहते हैं ये भी करा लो, वो भी करा लो, वो भी करा लो, पैसे बनाने होते हैं ना अपने, उनके कहने पर जो है ना फिर हम लोगों ने बाथरूम बना लिया। वो कह रहे थे आप लोगों ने इतनी गहरी खुदाई करवाई तो है तो फ्लश लगवा लो, तो फिर हमने उनकी बात हमने सोचा, हमने कहा हाँ हमारा बार बार ऊपर जाना पड़ेगा तो इधर ही सही करवा लेते हैं। पहले हमने सोचा ऊपर वाले वॉशरूम का ना दरवाज़ा ठीक करवा लेते हैं, फिर हमने सोचा वो भी ठीक करा लेंगे, ऊपर वालों के लिए भी आसानी होगी आगे सर्दियाँ, फिर हमने सोचा इधर भी लगवा लेते हैं, बार बार कौन ऊपर जाएगा, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने उनकी बात को सोचा और फिर हमने कहा चलो ठीक है लगा दो। ये अचानक हुआ है, फिर एक और कमेंट का रिप्लाई करना है, वो ये था कि मतलब कोई कह रहा था कि आप लोग बाथरूम बाहर बनवा लेते किचन और किचन अंदर कर लेते। और किचन मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोग किचन अंदर नहीं बना सकते हैं। पहली बात ये गर्मियों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हब्बस पसीना नहीं रुकना और बहुत ज़्यादा खाने का घुटन वगैरह हो जाएगा खाना बनाने का। और दूसरी बात ये है कि हम लोग अक्सर ना जो सो गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ, अक्सर जो है ना हमारे भाई वगैरह काम से जो है वो लेट आते हैं और हम लोग जो है अक्सर सोई होती हैं, तो हम लोगों ने खाना वगैरह बना के बाहर रखा तो होता है या वो लोग खाना वगैरह गर्म कर लेते हैं चूल्हे पे, अक्सर वो चाय बना लेते हैं अगर हम लोग नहीं जाग रहे होते, तो इसलिए भी हम लोगों ने बाहर नहीं रखा। और अक्सर मामू भी आके कुछ ना कुछ करते रहते हैं किचन वगैरह में, उन्होंने भी कोई कुछ दूध बॉयल या कुछ करना होता है तो वो खुद ही आके कर लेते हैं। यहाँ का जो दिल करता है ना वो अपना काम खुद करता है, अगर किसी का चाय भी बना पीने का दिल कर रहा है तो वो बना सकता है कभी भी और पी सकता है, इसलिए चूल्हा बाहर रखा हुआ। अक्सर हम अपने कमरे का दरवाजा लगा के सोई होती हैं तो अब उनको चाय चाहिए होगी तो वो क्या हमारा दरवाजा बजाएंगे और फिर अंदर आके वो चूल्हे में चाय बनाएंगे, इतना अजीब, तो फिर उनको हम आपस में लड़ेंगे, हम उनको कहेंगे तुमने हमें सोए हुए क्यों उठाया इस तरह, और प्राइवेसी भी कोई चीज होती है, फिर इस वजह से हम लोगों को यही मुनासिब लगा। बाकी है गाइस एक और बात मुझे बहुत आप लोगों से एक आप लोगों ने बस एक कमेंट लाजमी करना है, लाजमी ठीक है एक कमेंट चाहिए मुझे सबका, ये नहीं कि सिर्फ एक ही, जो जो इंटरेस्टेड है वो लोग प्लीज़ एक एक कमेंट सब कर दें कि क्या आपको ये पूरा घर रेनोवेट होने के बाद होम टूर चाहिए है, क्या हम दोबारा होम टूर बनाएं, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं कि यस लिख दें बस, और आप लोग कमेंट में यस लिखते हैं और उस होम टूर में हम और नई हिस्ट्रियां शेयर करेंगे। हाँ, आपको नई बातें सुनने को मिलेंगी, नई स्टोरियां सुनने को मिलेंगी और नई थोड़ा रूम्स भी आपको चेंज मिलेंगे। हाँ, और नई हिस्ट्री हमने उस दिन होम टूर में कहा था कि अगर हम अपनी हिस्ट्रीज घर की बताएं तो दो दिन व्लॉग खत्म ही ना हो, तो वहाँ पे तो हम पूरी हिस्ट्री नहीं, उस होम पुराने होम टूर में हम लोग इस घर की पूरी हिस्ट्री नहीं बता पाए थे क्योंकि व्लॉग दो दिन का हो जाना था, वीडियो खत्म ही नहीं होनी थी, दो दिन गुजर जाने थे। और इस बार हम दोनों मिल के होम टूर देंगी, वो मैंने अकेली ने दिया था। हर फ्लोर के पांच, यहाँ पे पांच फ्लोर है ठीक है, जिसमें से एक फ्लोर का मरीना आपको बताएगी हिस्ट्री, दूसरे फ्लोर की मैं बताऊंगी, ऐसे अब हम आपको नेक्स्ट होम टूर देंगे और बड़ा अच्छा देंगे। तब मेरी तबीयत भी नहीं सही थी तो मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा बोला था उसमें, तो चले बाकी। और किसी ने ये भी एक घंटा क्या हम आपको 24 घंटे तक सुन सकते हैं आपकी बात, मैंने कहा तो कि आप सबका प्यार है, लव यू। मैंने कहा था कि गाइस हमारे, और एक और कमेंट था, किसी ने मुझे कहा था अमारा मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो आपकी वीडियोस देखती रहती है, प्लीज उसका नाम ले ले, उसका नाम था, उसका नाम ऊपर कमेंट बड़े हैं, कमेंट कैसे देखूंगी जाके अब मैं, बच्चे जो भी आपका नाम था ना बेटा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लव यू, आपको कमेंट मिल गया मुझे पता चल गया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आई थिंक शिजा नाम था, क्या नाम, मैं देख आती हूँ यार, कोई बात नहीं। तो मैं कमेंट
कमेंट देख के आई हूँ, मुझे मिल गया, शुक्र है जल्दी मिल गया, ज्यादा देर नहीं लगी। तो नाम है रबिया, पहले तो वो 12 साल की है, ठीक है, छोटी सी अभी होगी। तो नेम है रबिया। थैंक यू रबिया, लव यू मेरी तरफ से भी गाइस, आप सबके लिए। हाँ चलिए गाइस, फिर इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। नहीं नहीं सॉरी, रुक जाए। सो गाइस, अभी जो है बाथरूम लगना है, अब आपको हम लोग उसकी भी वीडियो बना रहे हैं, उसका भी आपको दिखाते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है, और अभी तक जो है ना, हमने जो था ना फाइनल लुक, वो भी नहीं अभी बनाई। फाइनल लुक जैसे ही बनती है वो व्लॉग भी आ जाएगा इंशाल्लाह कल। तो अब इस व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं किसी अगले न्यू व्लॉग में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तू का तो सी जानी, मैं कह रही हूं यार कितना प्यारा दीवाना पीछे लगदियां पियां ने साडे, आहो पेंट हो गए, ऐसी ते सोहणियां लगदियां पियां इत्थे बैठियां हुईयां। हाय।